हाउ टू क्रिएट वेब पेजेस। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास नोट पैड प्लस प्लस या नोट पैड होना चाहिए, कोई भी एक एमएस वर्ड हो, कोई भी आपका एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो, चाहे वर्ड पैड। उसके लिए आप जैसे भी आप ओपन करना चाहें, जैसे एग्जांपल दिया हुआ स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एक्सेसरीज, लेकिन इसकी कोई ऐसी वैधता नहीं है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वहां कुछ और होगा। आपको बस नोट पैड ओपन करना है और जो कोड है वो उस तरीके से लिखना है, एचटीएमएल से शुरुआत करना है। एचटीएमएल शुरुआत बताता है कि एचटीएमएल पेज शुरू हो रहा है। उसके बाद हेडिंग की बात शुरू होती है, हेड ये हेड होगा तो हेड भी एंड भी होगा। हेड के अंदर टाइटल आता है, ये मान लीजिए आप माय फर्स्ट वेब पेज दे देते हैं, टाइटल को एंड कर दीजिए। टाइटल शुरुआत करेंगे तो टाइटल को एंड भी करेंगे। अभी टाइटल खत्म हो गया, हेड के अंदर और कुछ लगे तो ठीक है, नहीं तो हेड को एंड कर दीजिए। हर चीज का एंड जो होता है वो इस तरीके से स्लैश लगा के होता है, तो वही चीज यहाँ लिख देनी है उसी टैग को। उसके बाद आप बॉडी शुरू करेंगे, यहाँ हम असली कॉन्टेंट लिखना शुरू करेंगे, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे पास जो कॉन्टेंट वेब पेज लिख के आए, ऐसे हम चाहते हैं वेब पेज बड़ी बड़ी हेडिंग में आए तो H1 के अंदर दे दिया। हम चाहते हैं कि ये सेंटर हो तो ये सेंटर के अंदर दे दिया, ठीक। और यहां पर हमने लिख दिया दिस इज माय फर्स्ट होम पेज। उसके बाद हमने क्या कहा कि जो भी ये कंटेंट है, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, तो इसको बोल्ड में दिखाना चाहेंगे। आप देखेंगे यहां पर ये टेक्स्ट आएगा जो बोल्ड में होकर आएगा। अब दूसरी लाइन जो आएगी, द लाइन इज इन इटैलिक टेक्स्ट, वो आपको इटैलिक में दिखाई देगी। जो अंडरलाइन यू करके हमने किया है वो आपको अंडरलाइन में दिखाई देगा। यू से शुरुआत की और यू से हमने एंड कर दिया स्लैश लेके। ये होता है बैक स्लैश, ये होता है फॉरवर्ड स्लैश। तो फॉरवर्ड स्लैश लेते हैं। बी आर मतलब ये होता है कि ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, दिस इज द फर्स्ट लाइन। उसके बाद बी आर आप सेकंड लाइन करेंगे, यहां पर बॉडी खत्म करेंगे। आपने बॉडी का शुरुआत की थी बॉडी एंड की, टाइटल की शुरुआत की थी टाइटल एंड की, हेड की शुरुआत की थी हेड एंड की। अब एचटीएमएल बाकी है तो एचटीएमएल को एचटीएमएल से एंड कर देंगे। आपने देखा कितनी आसानी से हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया। अब इसको जब आप लिख लेंगे किसी भी नोट पैड या नोट पैड प्लस प्लस में, इसको सेव कर लेंगे। लेकिन सेव करेंगे इसको .html में, कोई भी नाम दीजिए, अपना आपकी चॉइस का नाम होगा, इसको .html से सेव कर लीजिए। और उसके बाद इसको खोलिए आपके ब्राउजर में। जैसे ब्राउजर में खोलेंगे ये आपको कंटेंट इस तरीके से दिखेगा, अभी मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा। उसके बाद ये एक क्वेश्चन है जिसको हम देखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसको चलते हुए देखें बाकायदा। तो उसके लिए मैं जाऊंगा नोट पैड प्लस प्लस में, मैं एक फाइल ओपन करूंगा। ये नोट पैड प्लस प्लस बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस गूगल पे नोट पैड प्लस प्लस सर्च करिए, उसे डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत हल्का, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, लेकिन यह एक तरीके से टेक्स्ट एडिटर है। इसके फायदे क्या है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे न्यू, यहाँ हमने न्यू फाइल बना दी। इसमें मैं ये टेक्स्ट कॉपी करता हूँ जो अभी हमने सीखा, इसको मैं इसमें डाल देता हूँ। अभी ये देखिएगा, अभी ये जो टेक्स्ट है ये आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है, नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिखाई दे रहा है। अभी तक ये एचटीएमएल नहीं बना है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। आप देखिए ये इसको हम एचटीएमएल की तरह कैसे बनाएंगे। अब इसको हम सेव एज कर देंगे किसमें, यहाँ पर देखिए। फायदा ये है नोटपैड प्लस प्लस का कि ये आपको एचटीएमएल एक्सटेंशन देता है। आप एचटीएमएल एक्सटेंशन दीजिए डॉट, अब आपको एचटीएमएल याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम कहते हैं कि टेस्ट या कोई और नाम दे दीजिए, जो आपकी मर्जी हो, चलिए टेस्ट ही दे दीजिए। ये हमारा HTML फाइल बन गई, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब देखिएगा जैसे मैंने सेव किया, ये जो सारे के सारे टैग्स हैं वो ब्लू में आ गए और जो कंटेंट है वो इसमें आ गया। ये फायदा है इसमें। एक और फायदा दिखाता हूँ आपको नोटपैड प्लस प्लस का। राइट क्लिक करता हूँ मैं इसे और देखता हूँ सेव हो गया मेरा। इसके बाद मैं इस फाइल को रन करता हूँ और ये मुझे बताता है किस में रन करना है। ये कितना आसान हो गया, मुझे वहां जाके फाइल को ओपन नहीं करना पड़ेगा, उसकी जगह पे जहाँ कहाँ जाके सेव हुआ है, जिस फोल्डर में मैंने सेव किया है वो वहां से इसको क्रोम में चला देगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ लॉन्च इन क्रोम। याद देखिए, आपने देखा कि जो जो हमने लिखा था, पहली चीज हमारी यहां पर आ गई। ये जो हमने लिखा था सबसे पहले, इसको हमने H1 हेडिंग में दिया था, बीच में लगाया था सेंटर पे। उसके बाद हमने कहा था कि ये हमारा पहला पेज है, ये बोल्ड में आ गया, ये इटैलिक में आ गया, ये आपका अंडरलाइन में आ गया, दिस इज फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। अगर ये सारी की सारी चीज आपने एक लाइन में दे दी, उसके बाद वी आर यूज किया, यानी कि नेक्स्ट लाइन में लाना है तो नेक्स्ट लाइन में ले आए, नेक्स्ट लाइन में ले आए। आपने देखा, तो इस तरीके से हमने एक प्रोग्राम लिखा। अब हम जरा जाते हैं अगले पे, ये एक और प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। ये एक कोड है ताकि हम क्रिएट कर सके वेब पेज को। इसका जो कलर है यहाँ पर, ये बैकग्राउंड कलर हम ग्रीन देना चाहेंगे और टेक्स्ट कलर जो है हम रेड देना चाहेंगे, और ये कंटेंट लिखना चाहेंगे इसमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एचटीएमएल से शुरुआत करेंगे। एचटीएमएल की फाइल एचटीएमएल से शुरुआत होती है, तो सबसे पहले हम एचटीएमएल की शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम आएंगे हेड पे, हेड के अंदर हम टाइटल देना चाहेंगे, जो भी टाइटल आपकी मर्जी हो आप अपना टाइटल दे सकते हैं, टाइटल को एंड कर दीजिए। उसके बाद हेड को एंड कर दीजिए। अब हम आते हैं इसके बैकग्राउंड कलर पे, इसके ग्रीन कैसे देंगे। तो बॉडी, क्योंकि पूरी बॉडी को आपको ग्रीन करना है, तो बीजी कलर में आप येलो दे दीजिए और टेक्स्ट को रेड दे दीजिए यहीं पे, तो टेक्स्ट आपका रेड हो जाएगा।
इसी तरीके से आप चाहते हैं कि ये MySQL जो है वो सेंटर में आए, थोड़ा बड़ा होकर आए और सेंटर में आए, और हेड H1 में दे दीजिए इसको। तो H1 के अंदर आप MySQL को लिखिए और उसको सेंटर के अंदर दे दीजिए, तो ये हेडिंग 1 में सेंट्रलाइज हो जाएगा। उसके बाद आप चाहते हैं कि ये जो कंटेंट है इसको आप लेफ्ट से शुरुआत करें, सेंटर में ना लाएं, लेफ्ट से शुरुआत करें, तो और ये पैराग्राफ की तरह दिखाई दे, तो पैराग्राफ आप शुरुआत करते हैं, अलाइन लेफ्ट कर देते हैं ताकि ये जो कंटेंट है आपका ये लेफ्ट में आ जाए। उसके बाद आप ये कहते हैं कि मैं ये कंटेंट लिखूंगा, जो भी कंटेंट, इसकी कोई वैधता नहीं है अभी फिलहाल, ये कुछ भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद पी को बंद कर दीजिए, पैराग्राफ बंद हो जाएगा। जब ये वाला काम हो गया तो बॉडी को बंद कर दीजिए, जब ये वाला काम हो गया तो आप एचटीएमएल को बंद कर दीजिए, राइट। अब हम इसको कोशिश करते हैं कि इसको चला के देखें कि क्या कंटेंट है इसमें। अब देखिएगा कि हमारे पास ये है, इसको हम सेव करते हैं इस जगह पे, इसको मैं पेस्ट कर देता हूं ताकि हमको नई फाइल न बनाने पड़े, इसी में हम देख लेते हैं क्या होता है। अब देखिएगा कि ये जो रेड है ये किसी तरीके से मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि डबल कोट्स जो है ये हमको इस तरीके से देने पड़ेंगे, राइट, इस तरीके से हम दे देंगे। यहीं से हमें पता चल जाएगा कि इस जगह पे इस ब्लू से और इस रेड से, इस ग्रीन से हमें पता चल जाएगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ सही हो रहा है। तो अभी मैंने केवल वहां से जो बुक का कंटेंट है वो कॉपी पेस्ट किया, लेकिन आप देखिएगा कि इसको हम कैसे चलाएंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको ठीक करेंगे। हम इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस करना जरूरी है, अगर सेव नहीं करेंगे तो इसके ऊपर स्टार साइन आएगा, वो जो स्टार साइन है वो बताएगा कि आपने सेव नहीं किया है। तो कंट्रोल एस या यहां से सेव करना बहुत आवश्यक है, वरना वो चीज दिखाई नहीं देगी। अब इसको एक काम करते हैं, रन कराते हैं आपके क्रोम में। तो आप देखिए पीछे वाला कलर आपका येलो हो गया, ये आपका रेड हो गया, इसका मतलब आपने यहां पर येलो दिया है। अब मैं इसको कर देता हूं क्या, आप बोलिए ग्रीन, अब हम इसको ग्रीन देंगे और इसको हम रेड की जगह ग्रीन के ऊपर क्या अच्छा दिखेगा, ग्रीन के ऊपर व्हाइट अच्छा दिखेगा, तो व्हाइट कर देते हैं। चलिए चला के देखते हैं, कोई भी एरर आएगी इसको दूर करेंगे। हम इसको रन कराते हैं, सेव करना बहुत जरूरी है वरना दिखाई नहीं देगा। आप देखें ये ग्रीन में आ गया, और ये जो चीज थी हमारे H1 में हमने सेंटर में दी थी, ये हमारा कंटेंट था जो हमने पैराग्राफ के हिसाब से लेफ्ट में दे दी थी, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, ओके। अब आपको एक HTML कोड लिखना है ताकि आप जो पैराग्राफ के अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलाइनमेंट टैग्स हैं, वो आप दिखा सके। उसके लिए हम क्या करते हैं, HTML से शुरुआत करते हैं, हम पैराग्राफ से को लेंगे और इसके अलग अलग कॉन्टेंट को हम लेंगे। तो अब क्या करेंगे, हेड से शुरुआत करते हैं, टाइटल दे दीजिए जो भी आपकी मर्जी है, पैराग्राफ इन एचटीएमएल जो यहाँ पर दिया हो उस हिसाब से लिखना बढ़िया रहता है। टाइटल को एंड कर दीजिए, हेड से शुरुआत करिए, बॉडी से हेड से खत्म कर दीजिए, बॉडी से शुरुआत करिए। ये हमारा एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है। अब हम अपने काम पे आते हैं जो हमको करना है इसमें, पैराग्राफ। अब हम चाहते हैं इसको अलाइन लेफ्ट करें, मतलब हम बाएं हाथ पे ले जाएंगे इसको स्क्रीन के। उसके बाद हमने कहा कि जो भी कॉन्टेंट लिखना है पी से एंड कर दिया। उसके बाद हम एक पैराग्राफ दिखाते हैं अलाइन इक्वल टू राइट, ये आपको राइट में दिखाई देगा, पी से एंड कर दीजिए। अब ये जो पैराग्राफ है अलाइन इक्वल टू सेंटर, अब ये सेंटर पे आएगा जो हमने सेंटर में दिखाया। ये कंटेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये जो चीज है वो बस ये टैग को आपको ध्यान रखना है, ये जो कंटेंट है ये तो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। बॉडी को एंड कर दीजिए, उसके बाद एचटीएमएल को एंड कर दीजिए, राइट। अब हम क्या करते हैं कि ऐसा कोई कोड जो हमें पैराग्राफ को दिखा सके वो ऐसा कोड है, तो इसको लेते हैं, कंट्रोल सी करता हूं मैं, ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं इसको। अब इस एचटीएमएल फाइल में ले जाते हैं, मैं इसे पेस्ट कर देता हूं, देखता हूं कोई एरर तो नहीं है। मुझे कुछ एरर इसमें दिखाई नहीं दिख रही है, सब कुछ ठीक दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, पैराग्राफ देखिए आप, मैं इसको फिर से समझाता हूं। आप यहां पर बाकी चीजें तो खैर आपको ध्यान में आ गई होगी, ये पैराग्राफ अलाइन लेफ्ट, यानी कि ये कॉन्टेंट लेफ्ट में आएगा, ये सेंटर में आएगा, ये राइट में आएगा, ये सेंटर में आएगा। अब इसको मैं कंट्रोल एस करता हूं, देखिए इसमें ये स्टार साइन आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये स्टार दिख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जो स्टार साइन है ये बता रहा है कि आपने सेव नहीं किया। कंट्रोल एस कर दीजिए, अब ये सेव हो जाएगा, स्टार पॉइंट चला गया। अब रन पे आइए, इसको आप क्रोम में निकाल दीजिए। अब देखिए ये आपका कंटेंट था, ये लेफ्ट में चला गया, सेंटर में चला गया, ये राइट में चला गया, ये सेंटर इसमें लिखा भी है, सेंटर पैराग्राफ, लेफ्ट पैराग्राफ, राइट पैराग्राफ, इस तरीके से ये काम करेगा।